सो हेलो गाइस, रिसेंटली मैंने एक लैब्राडोर का पपी लिया जो मेरे को अराउंड पड़ा है 12,000 का। तो मैंने काफ़ी दूर से इसको मंगवाया है, तो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम नहलाने वाला हूँ। तो मैंने पानी जो थोड़ा सा कोसा लिया, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, तो मैं इसे कोसे पानी से नहला रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि इसको ठंड लग जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल कोसे पानी से इसको नहलाते हैं पहले। तो और मैंने डॉक्टर से इसके लिए एक शैम्पू लिया जो डॉक्टर ने मेरे को सजेशन दी थी, ये शैम्पू बेस्ट शैम्पू है। तो इससे जो भी इस पे ऊपर टिक्स टुक्स होगी वो नहीं बचेगी, अच्छे से इसकी बॉडी पे हम शैम्पू अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद फिर से इसको साफ़ करेंगे पानी फेंक के, और आस्ता आस्ता से मतलब इसकी बॉडी पे रब करेंगी कहीं पर कोई टिक्स टुक्स ना बच जाए। तो जब भी आप डॉगी को नहलाओ तो उसके बाद उससे अच्छे से उसका पानी जो है वो साफ़ कर दो, क्योंकि पानी से जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। तो मैं इसके बाद टॉवल से इसको पूरा साफ़ कर दूंगा, टॉवल के बाद मैं ड्रायर का भी यूज़ करूंगा। तो पहले इसको टॉवल से अच्छे से साफ़ करते हैं। तो आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।